नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल न्यूज़, आपकी आवाज़। मैं हूं मेरा जबी। खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। कोटद्वार मालन नदी में हो रहे अवैध खनन पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली बार एक साथ 6 ट्रैक्टर में खनन सामग्री के साथ पकड़ा है। लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज में बहने वाली मालन नदी में अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई की गई, जिसकी जानकारी वन संरक्षक शिवालिक व्रत, राजीव धीमान व कोटद्वार विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष को भी थी। वन संरक्षक शिवाली व्रत कोटद्वार दौरे पर आने के बाद वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। वन नियुक्ति लैंसडाउन वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी दिनकर तिवारी ने बताया कि क्षेत्र में अवैध खनन व अवैध पातन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोटद्वार रेंज के नव नियुक्त रेंज अधिकारी अजय ध्यानी ने बताया कि 6 जुलाई से अब तक 12 ट्रैक्टर सीज कर दिए गए हैं। कोटद्वार क्षेत्र में खनन माफिया द्वारा वन कर्मियों पर 7 घटनाओं में हमला हुआ है। ये घटनाएं 2016 में एक, 2017 में, 2018 में, 2019 में 3 घटना एवं 2020 जनवरी में 1 घटना। ये सभी घटनाओं में वन कर्मियों पर खनन माफियाओं ने हमला किया था। सबसे बड़ी घटना है अब तक की, 6 ट्रैक्टर पकड़े गए, क्या अब भी कार्रवाई होती रहेगी खनन माफियाओं की? बिल्कुल, परसों भी जो है कि हमारे सीएम सर, जो सीएम शिवालिक सर आए थे यहाँ पे, उनके भी सख्त निर्देश हैं कि किसी भी किस्म का अवैध खनन ना हो पाए। और डीएफओ सर, एसडीओ मैडम का भी जो है कि यह है कि कहीं भी कोई खनन की शिकायत आए तो तत्काल कार्रवाई करें। इसी क्रम में हमने जो है 31 तारीख को जो है कि सारा स्टाफ मौके रात को जो है कि गुप्त तरीके से छापा मारा और 6 ट्रैक्टर ट्रालियों को मालन नदी के रास्ते कलाल घाटी में पकड़ कर जब्त की गई। मैं माल के रेंज कार्यालय जमा खड़ी कर दी गई। आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो कितने ही बड़े खनन माफिया क्यों ना हो। सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर की जाएगी।